Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकिफ फारूकी, सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। डिप्टी वजीर आजम का ओहदा मेरे लिए एजाज की बात है। क्रिस जेफरी लैंड कहती हैं कि ये ओहदा उन्होंने सिर्फ एक तर्जुमान की हैसियत से नहीं लिया। काबिले तश्दीद तमन्नाएं के मंसूबे खत्म करने पर फख्र है, टैक्स हिंदगान के लाखों डॉलर्स बचाए हैं। टोरंटो में सर्दी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिदत में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। सऊदी फरमारवा कहते हैं कि ईरान के साथ जंग नहीं चाहते लेकिन दिफा के लिए हर पल तैयार है। अमरीकी कांग्रेस के दोनों एहमानों ने हांगकांग के शहरियों के हुकूक की हिमायत में बिल मंजूर कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। कनाडा के डिप्टी वजीर आजम क्रिस जेफरी लैंड का कहना है कि उन्होंने ये ओहदा एक तर्जुमान की हैसियत से नहीं लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के डिप्टी वजीर आजम क्रिस जेफरी लैंड का कहना है कि उन्होंने ये ओहदा एक तर्जुमान की हैसियत से नहीं लिया। नई काबीना को तश्कील के वक्त कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने क्रिस जेफरी लैंड को डिप्टी वजीर आजम का ओहदा सौंपा था, जो कि हुकूमती उमूर के लिए एक अहम ओहदा समझा जाता है। मुकामी चैनल को एक इंटरव्यू के दौरान फ्रीलैंड का कहना था कि इस ओहदे में पूरी हुकूमत का बोझ मेरे कंधों पर होगा, जबकि उसके लिए काम मेरे लिए एजाज की बात है। कैनेडियन मुफादात के लिए मुझसे जो बन पड़ा करूंगी। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि कैनेडा की तारीख में डिप्टी वजीर आजम का ओहदा संभालने वाले आगे चलकर वजीर आजम की दौड़ में भी शामिल हुए, जबकि कुछ कामयाब भी हुए। ऑन्टेरियो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि उन्हें अपने काबिले तजदीद तवानाई मंसूबों को खत्म करने पर फख्र है, जिनमें टैक्स हिंदगान को 230 मिलियन डॉलर के करीब अदायगी करनी थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि उन्हें अपने काबिले तजदीद तवानाई मंसूबों को खत्म करने पर फख्र है, जिनमें टैक्स हिंदगान को 230 मिलियन डॉलर के करीब अदायगी करनी थी। फोर्ड ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि उनके प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत आवाम के पैसों को जाया कर रही है। फोर्ड का कहना है कि मुझे अपने फैसलों पर फख्र है, हमने बुनियादी तौर पर आवाम के साथ 190 मिलियन डॉलर्स बचाए हैं। दूसरी जानिब अकलेती हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद लिबरल पार्टी के लीडर जस्टिन ट्रूडो और ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड अगले हफ्ते मुलाकात पर रजामंद हो गए हैं। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान तआवुन पर गौर होगा। फोर्ड का कहना है कि सियासत को सियासत तक महदूद रखना चाहिए और वो ऑन्टेरियो और कैनेडा के मुफाद में हर तरह के तआवुन के लिए तैयार हैं। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं, महकमे मौसमियात के मुताबिक टोरंटो में आइंदा हफ्ते मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। बारिश और बर्फबारी भी होगी और सूरज भी अपने जलवे दिखाता नजर आएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे मौसमियात के मुताबिक टोरंटो में आइंदा हफ्ते मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। बारिश और बर्फबारी भी होगी और सूरज भी अपने जलवे दिखाता नजर आएगा। इस वीकेंड पर सर्दी के सताए शहरियों को थोड़ा सुकून मयसर आएगा। हफ्ते के रोज दिन के औकात में मतला
महीना साफ रहेगा और दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि रात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जबकि इतवार के रोज मौसम अब्र आलूद रहेगा और दर्जे हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पीर और मंगल के रोज हल्की बारिश, जबकि बुध और जुमेरात को हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा जुम्मे तक जारी रह सकता है। सऊदी शूरा कौंसिल से खिताब करते हुए शाह सलमान ने ईरान पर जोर दिया कि वो अपने तौसीह पसंद नजरिए को तर्क कर दे। ईरानी पॉलिसियों के नतीजे में इसकी अपनी ही आवाम को नुकसान पहुंचा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का कहना है कि ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन दिफा के लिए हर पल तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शूरा कौंसिल से खिताब करते हुए शाह सलमान ने ईरान पर जोर दिया कि वो अपने तौसीह पसंद नजरिए को तर्क कर दे। उन्होंने ईरान में जारी हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ईरानी पॉलिसियों के नतीजे में उसकी अपनी ही आवाम को नुकसान पहुंचा है। सऊदी फरमारवा का कहना था कि हमें उम्मीद है कि ईरानी हुक्मरान हिकमत का रास्ता अख्तियार करते हुए आलमी सतह पर अपनी पॉलिसियों पर गौर करेंगे। शाह सलमान का कहना था कि आलमी बरादरी ईरान के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम को रोकने में किरदार अदा करे। सऊदी अरब अपने दिफा के लिए इंतहाई इकदाम उठाने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करेगा। दूसरी जानिब सऊदी वजारत खारजा ने ईरान के फर्दा जौहरी प्लांट से मुतालिक अमरीकी मौकफ का खैर मकदम किया है। अमरीका ने ईरान की जानिब से जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने पर फुर्दा जौहरी प्लांट पर पाबंदियों को दी गई छूट 15 दिसंबर से खत्म करने का ऐलान किया था। ख्याल रहे कि रामामा ईरान ने अक्वामे मुत्तहदा के जौहरी इंस्पेक्टर का इजाजतनामा मंसूख करते हुए फुर्दा जौहरी प्लांट पर यूरेनियम अफजूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता 7 रोज से मुजाहरे जारी हैं, जिनमें अब तक 100 से ज्यादा अफराद की हलाकत की इत्तला है। कुछ बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों ने हांगकांग के शहरियों के हुकूक की हिमायत में बिल मंजूर कर लिया, जिसके बाद अमरीका और चीन के दरमियान जारी तजारती मुजाकरात पर सवालिया निशान लग गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों ने हांगकांग के शहरियों के हुकूक की हिमायत में बिल मंजूर कर लिया, जिसके बाद अमरीका और चीन के दरमियान जारी तजारती मुजाकरात पर सवालिया निशान लग गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक दोनों ऐवानों ने हांगकांग की सिक्योरिटी फोर्सेज के जेर इस्तेमाल आंसू गैस, रबड़ की गोलियों और दीगर साजो सामान की फरोख पर पाबंदी का कानून भी मंजूर किया। हांगकांग की सिक्योरिटी फोर्सेज 6 माह से जारी मुजाहरों के दौरान आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस से मंजूरी के बाद बिल दस्तखत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया गया है, जबकि व्हाइट हाउस से इस बिल को वीटो करने की कोई धमकी सामने नहीं आई है। बीजिंग ने बिल की मंजूरी पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वो इस इकदाम की शदीद मजम्मत करता है और भरपूर जवाबी इकदाम के लिए तैयार है। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने बीजिंग में साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा विलियम कोहन से मुलाकात में बिल की मंजूरी की मजम्मत करते हुए कहा कि ये चीन के अंदरूनी मामलों में खुली मदाखलत है। उन्होंने कहा कि हांगकांग में मुजाहरों में संगीन जुराम में मुलविस मुजरिमान शामिल हैं, जिनका मकसद सूरत हाल खराब करना और हांगकांग को तबाह करना है। उनका कहना था कि चीन हांगकांग के इस्तेकाम और खुशहाली और एक मुल्क दो निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देगा। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।